cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. अस्सलाम वालेकुम। तो मरियम की जिंदगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और प्यारी प्यार। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे अच्छे बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी नहीं। नाश्ते में देखो माशाल्लाह माशाल्लाह पराठे और टाइम देख सकते हैं आप लोग कितना हो रहा है। स्कूल का टाइम मैं जा रहा है अभी। सरकार भी पैसा लगा के तो याना भी पहन रहा है जूता। कहाँ गया रहा ने? नया शू लाया है तो अब ये बारिश में भी पहन सकते। ऐसा कुछ नहीं है। अब पहला ये लोग का एकदम कंपलसरी था। और मॉर्निंग अंकल, अंकल की वॉक का टाइम। हाँ वॉक का टाइम चालू हो गया ना यार एकदम। चलो जाओ। यस चलो फिर। देखो अंकल भी वॉक पे जा रहे हैं, आयान भी स्कूल जा रहा है और सुल्तान भी साथ में जा रहा है। चलो बाय। और मेरे झाड़ एकदम मस्त बैठे हैं और झाड़ का मुझे चेंज करना है, मगर क्या करूँ वक्त ही नहीं मिल रहा मुझे कि नया झाड़ लाना है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं लाना। बाकी सब झाड़ माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं तो, मगर वक्त ही नहीं मिल पा रहा है ना। ये भी माशाल्लाह देखो मर गया था लंबू। ये बम्बू, लंबू नहीं बम्बू, ये भी मस्त हो गए। चप्पल लाया था यार, वो चप्पल दिखाना था मगर अंकल आ गए तो बात पट में आया नहीं दिखा पाया। तो आएगा तो दिखाती हूँ। बच्चों में से शौक रहते ना कोई भी चीज़ दिखाने के, तो 1100 की लेके आया। और कल देखो समीर मैं नहीं थी तो पूरा फ्रूट व्रूट सब लेके आके रखे, क्योंकि मेरे को भी टाइम मिल नहीं रहा था लाने का। वो भी ऑफिस से डायरेक्ट आ जा रहे थे। आज इसके अंदर रजनीगंधा फूल ला के लोग रखेंगे। अभी हो गया सब, स्कूल का टाइम है। देखिए सभी सब पसार पड़ेला है। छतरी डाल देती हूँ ड्रॉ के अंदर। ड्रॉ तो ऐसा खचा खच भरा हुआ है, आज खाली करवाने का है लोगों को बोल के। सब पसार देखो कितना पड़ेला रहता, कितना भी साफ करो ये होता ही है ना। रात को ऐसा फिर सुबह को ऐसा। जया देखते अपने पापा क्या कर रहे हैं। हाय पापा, पापा गुड मॉर्निंग कर लो चलो सबको। पापा भी कब से लगा ले, मैं मिट्टू है ना बाबू। चलो पापा गुड मॉर्निंग हो गया ना। ये मम्मा 1 बजे उठेंगी जब भी, बाद में गुड मॉर्निंग वापस। ओके बाय ला, बाय कर दो, बाय कर दो। तो आओ खाने के लिए। तो मेरा नाश्ते का टाइम सेकेंड टाइम का हो चुका है। अब बज रहा कितना आना 8 बजे सेकेंड नाश्ता चालू है, क्योंकि 5:30-6 बजे मैंने फर्स्ट नाश्ता की थी ना। तो अभी नाश्ते में है अपना बस हाफ फ्राई देसी अंडा और मेरी नेस्ले की जो क्रीम मैं खाती हूँ, मैं जो मलाई बोलती हूँ वो क्रीम खलास हो गई है। कल मैंने फ़ोन की थी जरा वो शॉर्ट चल रही है, तो भाई ने बोले अभी कल आने वाली है। बॉम्बे करी थी फ़ोन तो मैं कुरियर करा दूँगा, मतलब भिजा दूँगा। तो मैंने डब्बा 10 या 15 डब्बा बोली भेज देने। तो मैं अभी घर की एकदम फ्रेश दूध की मलाई खा रही हूँ, मगर ये भी फ्रेश थी मगर मेरे को जमती ज़्यादा वो मलाई। तो आप लोग भी आओ नाश्ता करने के लिए। आप लोग मैं वहाँ से ही बोल सकती हूँ आइए नाश्ता करने के लिए। और दूसरी बात, मुहर्रम चालू हो चुका है। आप सबको नया साल और मुहर्रम का महीना बहुत बहुत मुबारक। सबका अच्छा जाए नया साल परवरदिगार, और उनके सदके तुफेल में हमारा भी अच्छा जाए करके बस ये दुआ करेंगे।
और जो भी हो सके 10 दिन गुनाह करने से और ज़्यादा बचेंगे, किसी को बुरा बोलने से बचेंगे, तो 11 महीने करेंगे, है ना। तो फिर और हमारा बच्ची भी देखो देख रहा है नाश्ता करते हुए, और आपने देखो ये सफाई निकाली है, ड्रॉप बहुत ज़्यादा फुल हो गए हैं, इतने भर गए हैं कि पूछो मत। आज ये दोनों ड्रॉप अनाबनी में साफ करती हूँ, और सैदा पर अंदर का कुछ साफ कर रही है, पोछा पाछी में कुछ घस रहे। घर की तो सफाई देखो डेली कम करो, जितनी उतनी कम है ना, तो यही चालू है। अभी आप लोग से मिल के अभी आयान भी आया है, और अपना बाबू को देखो डालने गए ना रोटी डाल के, अच्छे से देख रहा घूम रहा यहाँ से वहाँ। सो गया क्या नूरी? आया लेट गया? लेट जाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे लादी पसंद करने जाना है, साथ से कोई काम तो है नहीं। आज वहाँ तोड़न तड़ी का काम है, पूरा ये सब उठा के फेंकने वाले, तो दानिश आज काम पे गया नहीं, तो दानिश आज मैं देखता हूँ कि शाम में आ करके, और शाम में जाऊँगी उधर साकिना का लादी देखने के लिए। फिर सब एक रूम की फ्लोरिंग है और फ्री वॉल की है, फिर जाके पसंद करके आऊँगी। तो चलो आपको से मिलती हूँ। खाने के लिए आप लोग बोलते थे खाली मरियम से खाना ही बताते रहती, पूरा दिन खाते ही रहती है, तो वाकई में खाने का टाइम होगा तो खाना खाना ही पड़ेगा ना। देखो 5 बज रहे हैं अभी, तो खाने में क्या है मेरा वही सलाद है जो मुझे बहुत पसंद है, ग्रीन सलाद में। और नूरी ने मस्त गोश्त का सालन आलू डाल के बनाई है, और ये राइस है, और ये कपड़े निकाल के रखी हूँ, अभी नहाऊँगी तो फिर पहनूँगी। और आज मोहरम है, तो लगता पहले मोहरम में ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, मेरे ब्लैक निकलना तो चांद रहती थी, पूरा नहीं पहनना चाहिए वाला। हाँ तो रख लगाती हूँ, और वो मसाला लगाई गोश्त के अचार को लगाई। हाँ तो मेरे को बताओ जरा, मसाला ना बारीक पीसना है एकदम, और वो बड़ी मिर्ची है नहीं तो वो गया है ना, उससे थोड़ी बड़ी मिर्ची मंगा ले, फूल लाने गया है ना जाकिर करके, तो मेरे को मसाला लगा लिया। सब अम्मा ने भेजी थी ना इतनी सारी नींबू, हाँ तो उसमें रस नहीं है ज्यादा, एकदम सूख रहे अभी इतने बड़े बड़े, तो नींबू भेजे हाँ। थे करके तो उसमें आधे पहले उसमें डाली थी ना मैंने। हाँ। तो जाकिर का फोन आया तो बोल नींबू भी लेके आ। कितना है गोश्त, कितना किलो रहेगा? 1.5 किलो तक है। अच्छा, आज हम बनाने वाले गोश्त का अचार शाम में, क्योंकि सबने बकरा इसे बोले थे गोश्त का अचार बनाने, और मैं गोश्त का अचार शाम में बनाऊंगी, मैं खुद बनाऊंगी। तो अब ये नूरी ने गोश्त का सालन बनाई है, खा के देखते सालन कैसा बना है, है ना। तो आप लोग भी आओ खाने के लिए। और आज क्या दिन तो है? जुमेरात, और अजमेर जाने के दिन भी बहुत नज़दीक आ रहे हो, बारिश बोलती मैं देखते, अभी पैकिंग भी करना है सब देखते। मुर्गी ने माशाल्लाह बहुत अच्छा गला दिए, स्पून से देखो ऐसे टूट जा रहा है, तो अब बिस्मिल्लाह करने के लिए चलो मिलते हैं आपको फिर। अभी हमारे घर का काम चालू है, ये अभी पूरा सीलिंग निकल चुका है, ये भाई लोग अभी पूरा सीलिंग निकाल रहे हैं, ये हॉल है, ये किचन, माशाल्लाह देखो कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत फूल है, और मैं इसे अभी पानी में डाल रही हूँ।
तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह रजनीगंधा बहुत दिन के बाद मेरे घर में फिर आया है, क्योंकि मैंने परसों बॉम्बे से पॉट लेके आई थी, क्योंकि मेरा पॉट टूट गया था। दूसरा पॉट मैंने अंदर रख दिए, जो मैं टीवी के सामने हमेशा अक्सर रखती थी, आप लोग को पता है। और एक मेरे बेडरूम में रहता था, तो बेडरूम में भी कुछ वजह से मुझे हटाना पड़ा, तो अभी मेरा ये फाइनली आ चुका है। तभी इसके ऊपर डेली रहेगा फूल, और इसमें मुझे बाद में गुलाब का फूल डाली हूँ, जो भूर आती तो मुझे उठाते और इसको क्या कर देते, खेलने का बर्तन बना देती, खाना पकाती है इसमें। और इसके भी फूल आज मैंने चेंज किया, अभी इसमें फूल थोड़े कम पड़ गए, अयान लाने गया है, 5 और मंगाई हूँ मैंने। इसकी जो अपने होते हैं ना कमल के फूल, एकदम झूले हो गए। फिर आटो जी बैठने दो, अरे बैठने दो, मेरे को, मैं समीर की गोद में बैठी हूँ, क्योंकि जरा मेरे को बताने के लिए तकलीफ हो रही थी ना, तो मैं बोली जरा हटो जी सोफे बैठने दो। तो हटे नहीं, चला देख सकते आप लोग। और माशाल्लाह आज खाने में स्पेशल बनेगा, बन रहा तो गोश्त का अचार और थोड़ा खाना बाहर से आएगा, खस्ता राइस डोसा। और अभी हम लोग बैठे हैं आज का, और आज का मेरा आउट टू टी बोला करके बोलती हूँ, लोगों को अच्छा लगता है ना मेरे मुँह से सब। हाँ बोलो अभी तुम बोलो, ओ टी डी। देख आ रहा बोलने के लिए, तो कैसा लग रहा मेरा ड्रेस बताना। और ये मैंने ना मैं 1 या 1.5 साल के बाद पहनी हूँ, क्योंकि मैं एक कपड़ा पहनती हूँ ना दूसरा कपड़ा पहनने 1 साल तो मेरे को जाता ही जाता है। ये मैं समीर के साथ आज हाँ उसको ढूंढने घूमना लगता है, ऐसा कपड़ों में जाके दब जाता है वो नीचे। तो ये हम लोग समीर में अजमेर गए थे ना, मैंने जब पहन के आई थी आने के टाइम, तो जब से आज पहनी है ना मेरी, तो फिर यही तो मैंने चलो पहनती हूँ। तो माशाल्लाह इसका देखो मैंने कॉम्बिनेशन कैसा रखा है ना, अच्छा लग रहा है ना। और इसके साथ में समीर को बर्दाश्त हुआ नहीं, तो समीर ने क्या करा, खुद ने ब्लैक ट्रैक पहन लिए और शर्ट कुछ ऐसे मैच में देखा नहीं जाता ना मैं पहनूंगी ऐसा कुछ कपड़ा, पहला कपड़ा निकाला। अरे तुम इतने झूठे, तुम्हारे ना मैं ना रही थी थोड़ी देखने को आता मैं अंदर कि ये कौन सा कपड़ा पहन दे, फिर मैं कपड़ा निकाल देता। अंदर मेरा कपड़ा सब ठीक से रखा, ये तो देखे मैं अभी निकली वहां से वॉशरूम से, तो देखे अरे बापरे ऐसे कपड़ा पहन, जल्दी से मैं अपना टैग अभी इसने ऐसा ऊपर नीचे पहना, मैं नीचे ऊपर पहनता हूँ, मगर पहनते हम खिना तुम्हारे को ना मेरे दम साथ, मतलब मैचो मैच पहनने का शौक मैं तो कपड़ा निकाला अंदर से, तो मैं नया टी शर्ट पहनने वाला था, तो मैं बोला ये टी शर्ट बहुत दिन हो गया पहने में। समीर को बोलेगा ना, समीर को तो गुस्सा बताता है, खींचने में को मजा आती है, मगर सही बात है उसने देखा नहीं था। मगर बोलते ना दिल का मेल मिलता है तो हो जाता है, मगर मेरा तो दिल का मेल मिलता है, इसका मिलता नहीं मिलता वो अल्लाह को मालूम है। अब अल्लाह ही बोलेंगे नहीं, हाँ दिल का मेल, मेल का मेल क्या ईमेल। और ये लैंप कितना प्यारा लगता है, इसको मैं चालू बहुत कम करती हूँ, वो इतना क्यूट लग रहा है चालू करने के बाद, उससे ना मेरे वॉल का ना उसका लुक आता है, देखो ऐसा ऐसा उसके ऊपर फैलता है तो ना। और समझ का बच्चा था तो झूमर भी चालू करते हैं, मगर मैं उसको चालू करने नहीं देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, ये तो अभी चल रहा अभी ठंडा मौसम मतलब बारिश का है, तो मैंने चालू भी कर दी झूमर, नहीं तो गर्मी में तो मेरे को ये लाइटें सब बहुत बुरी लगती है, सिर्फ ना वाइट लाइट चालू चाहिए, नहीं तो क्या होता गर्मी गर्म ज़्यादा होता है ना। नूरी बहुत जल्दी अभी मैं मेरे पवई के रूम का काम खलास होएगा, तो थोड़ा मैं यहाँ का भी कुछ काम कराऊँगी, तो देखना कुछ चेंज कराऊंगी, मेरा को यहाँ कुछ ग्लास ऐसा कुछ लगाना है, और फिर वो अंदर का भी मुझे ग्लास चेंज करना है, उधर भी कुछ लगाना है, और फिर उसके बाद में और भी वॉश बेसन में कुछ कराना है। स्टार्ट में क्या बोलते मेन डोर के पास भी कुछ लादी लगाने हैं ना खाना, तो भी सब कराऊंगी। उसको क्या नहीं मैंने बॉक्स ला कर सब काम करूँगी एक साथ में करूँगी, एक साथ में अच्छा है, थोड़ा थोड़ा काम पसंद नहीं है ना मेरे को, वहाँ का फाइनल होगा फिर यहाँ का करूँगी, तो पूरा वो ग्लास का सब एक साथ में करोगे। ये सोफ़ा जाएगा दूसरी जगह, दूसरा सोफ़ा शोरूम से आएगा इधर, ये टीपाई भी चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी मेरी लॉटरी लगने वाली है, अगर लग गई तो फिर इंशाल्लाह सब हो जाएगा ना समीर। ये मैंने एक भेजी चेक बहुत बड़ा, वो तो पास हो जाएगा ना समीर के अकाउंट में डाल दी,
तो सब इनका पेट है ना, पेट इसके अकाउंट में ऐसा डाल दी हो, उसमें से पास होकर फिर से आएगा और घूम रहा है वो अंदर घूम 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 जैसे जूम ऐसा आ रहा था बाहर जैसा फैक्स मशीन से कहते हैं। कौन आया? मेरी सब बहन लोग और भाभी आई है साथ में। अस्सलाम वालेकुम। बहन आई है टिकटॉक से ना इंस्टाग्राम से हमारी दोस्ती भाई 25 साल हो गया घर में। 25 साल से भाई देखो अल्लाह ऐसी मोहब्बत करे आग लगाने वाले जल जल के मरे ऐसी। कभी आग लगाए कुछ होता ही नहीं है इधर। से पानी जुदा नहीं होता हमारी बहन लोग का है भाई। और हमारा गोल्ड ग्रुप में थे साहब, अरे एक को हटा गया भाई चड्डी के लिए। और पानी में अभी एक नया मगरमच्छ आ गया है, काटेगा काओ काओ। सारा मगरमच्छ डेंजर आ गया इन लोग। और ये बड़ी बहन का हाथ हम लोग के सर पे है तो हम लोग हमेशा इसी रहेंगे। नए साल का शुरुआत हो रही है अल्लाह पाक हमको। और हमारी बहन को जाके सब्सक्राइब करो, जाके ब्लॉग देखो, लाइक करो। बलते को लाइक करके फायदा नहीं है भाई। और इमरान के एब्रो देखो कितने अच्छे एब्रो है, सबके सर में से बाल निकल गए लेकिन इमरान के एब्रो नहीं निकले। ये चाहिए लगता है एब्रो के बाल के सर में लगाने के लिए। ओ क्या बोलते हैं, कंपड़ा लगता है, ट्रांसफर क्या कर रहे हैं। लेना बहन अरे रहना पाक लो ना लगे वो शर्मा रहे शर्मा रहे बेटा टिश्यू भी ला के रखना माई घर। अरे कल मेरे को बोलते हैं बोलो बोलो नींद की गोली खाली क्या बोलूं। तो चलो अभी हम लोग बैठे हैं सब लोग और जितना जो एंजॉय करेंगे हमारे ब्लॉग में आते रहेगा। आप लोग ऐसी लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। ये मैंने बहुत दिन से नहीं बोली, अभी मेरे मुझसे अचानक निकल गया। तो चलो फिर, और बहुत अच्छा लगा इस बहाने पापा के बहाने रियानापा आ गई, रियानापा के बहाने मेरी भाभी आ गई, मेरी भाभी के बहाने मेरा भाई आ गया और बहुत अच्छा लगा। और जिसको पसंद आए वो भी लाइक करो और जिसको नहीं पसंद आए लाइक करो, लाइक जरूर करो। और हम लोग है ना तो इंस्टाग्राम और सब में ब्लॉग में सब में बहुत ज्यादा मसाला मिलता है, मजा आता है। इसलिए हम लोग लिख कर गए ना तो उस दिन सब खलास हो जाएगा। मैं इंस्टाग्राम में वीडियो नहीं बनाएंगे आप अपने मसाला पूरा चला जाएगा। आपा चिल्ला रहे कहीं को नहीं, मेरी बेटी वहाँ से हंगामा मचा के रखे। डिनर टाइम, माशाल्लाह देखो
तो देखो अभी हम लोग ने खाना तो निकाले, अभी भेंडो को खाना पसंद आ रही है। समोसा निगेट का तो बाप रे एक नंबर था। बाकी ना और नूरी बहन ने एक नंबर खाना बनाया, कोई या तो 10 हज़ार। नूरी बहन की गाइड्स उधर खड़ी है, गाइड्स करने वाली एक नंबर है, तो नूरी बहन भी एक नंबर। मैं लाइट चालू कर देती हूँ, वहां से थोड़ा अंधेरा तो मत लगना। देखो हफ्सा राइस मंगा चुकी है, मरियम के घर हो रहा है डिनर, माशाल्लाह। आज बड़ा दिन, मतलब इतना बड़ा दिन है हमारे लिए, बस इसके लिए दुआ करना हमारे भाई के लिए, बस खाने के लिए। बस देख लो, भाई ने हमारे को मोगला है ना, हैदराबादी सब यही दिखा दे रहा हूँ, जाने की जरूरत ही नहीं किधर। यही बैठो, कब्जा राइस भी है, अरबी खाना इधर आ गया। और भाई बोलना बाहर जाओ मत बोलना, मोगलाई भी है। और हम लोग खाली लोगों को बुला के फ्रिज के समोसे खिलाते हैं और पूछते नहीं खाएगी क्या, बासी भजी है। अच्छा अच्छा ये सब नहीं काम करते, अल्लाह पाक जो आता है ना अपनी नसीब का खाता है, हमारे क्या होता है जाने का। मैक्सी ने गाँव नहीं यार, क्या बात करते तुम, फिश कट फिश कट अपने अच्छा भी दिखता है यार, ऐसा थोड़ी क्या लोगों के अभी जाने मेरे भाई हमारो कैमल बोला वो कौन सांडा पानी का गेंडा। अरे वो रानी बात में हिप्पो देखे थे, ब्लैक वाला, हाँ। कितने किलो का है, 250 का 300 किलो का हिप्पो। इमरान याद आया, हिप्पो वाली बात अजमेर की, जाने अभी नहीं ब्लॉग बंद कर दिया। ताकत दे और मेरे बड़े पे नवाजे और नवाजे हमारे भजन को। मेहमान है कभी कभी आने वाले, मेहमान है बेहन है अपने भाई। अरे क्या बात है, मेहमान है ना वो, कभी कभी आते हैं। मेहमान नहीं बहन है भाई अपने, जा रहे हमेशा पापा के चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो पापा, तो क्या और इसके वीडियो को ज्यादा ध्यान दो। और जुम्मा को तो आपा क्या पता क्या हम लोग का ना, जुम्मा को तो मिलना ही मिलना है इस बात से, बता दूंगा। कहीं जाना है जलवा दूंगा, आपको मिलना है मिलवा दूंगा। कहाँ मिलता है, पुराना वीडियो डलवा दिया है ना आईडी पे, बोलो अभी सब डाला हुआ है। वीक क्या इधर का खून निकाल के सर में डाल रहे ना, वो भी दिखा देंगे। और तो आपा भी करे ले, तो समीर भी करे ले है, हम दोनों खड़े ले। और खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था, नाश्ता भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह, खाना भी एक नंबर, नाश्ता भी एक नंबर, बहुत अच्छा पेट भर गया। चलो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। कुछ नहीं 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 करके टिफिन लाए थे ना खाने का, तो फिर सब गए, अच्छा नहीं लग रहा, घर भरा भरा लग रहा था माशाल्लाह, सब लोग थे तो अल्लाह इसी मेरा घर हमेशा भरा रहे सबसे, और मेहमान आते रहे और बरकत होते रहे। और माशाल्लाह साल का पहला दिन था और मेहमानों की बरकत भी अल्लाह की तरफ से, बहुत अच्छा लगा। और याना पा देखो आए तो मेरे लिए फ्लेवर लाए थे माशाल्लाह, बगदाद का पूरा भर के फ्लेवर है इसके अंदर। और मेरी बहन ने ये देखो कितना मस्त मस्त, अल्लाह मैं हंस उठ रहा भी नहीं, ये हेल्थ है और सीजन में आता है, कौन से गर्मी में बोलते आपा बोलते मिलता है, तो माशाल्लाह बहुत बहुत जजाक अल्लाह, थैंक यू बहन। और ये मेरी अफसाना आपा ने मेरे लिए कपड़ा लेस लाए, कौन सी लेस चाहिए देखो, लेस के साथ बहन लाइए, तो उन लोगों को पता है मैं लेस के बिना पहनती नहीं। और ये कौन लाया, ये भी देखो लगता कौन लाया, क्या पता अभी आपा लाई थी कौन लाया, और लोग आए थे सब लेके आए, मुझे पता ही नहीं, बेचारों ने रख दिए।
और बहुत अच्छा लगा, सब आए थे तो वो खाने पीने से भी होता है, इंसान की मोहब्बत से होता है ना, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सब आए, बहुत 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 अच्छा लगा। और अल्लाह इसी मेरे घर में हमेशा मेहमान आए, और सभी को भी बहुत अच्छा लगा सब आए थे तो। और पहली बार मेरा आदमी बहुत खुश होता था, मुझे बहुत अच्छा लगता है सब मेहमान आते तो, सभी बहुत खुशी होती। सभी ने अपनी मर्जी से खाना मंगाए, मुझे तो पता भी नहीं था क्या मंगाए क्या करें। मैं खाना एक नंबर मंगाए थे, खस्ता राइस दिख रहा है इतना प्यारा था, मेरा टेस्ट भी कोई मगर ना हो, इतना सर्व भी इतना अच्छा हुआ था, मतलब वो सजा हुआ इतना प्यारा था कि बता नहीं सकती हूँ। और सबको बहुत अच्छा लगा है ना। अब चलो मैं समीर को खाना देती हूँ, डॉक्टर से मिलती हूँ।